हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे तो कंप्यूटर की जो सीरीज़ चल रही थी उसी को आगे बढ़ते हुए आज जो चैप्टर का नाम है वो है सॉफ्टवेयर जो कि चैप्टर नंबर एट है ल्यूसेंट का और सॉफ्टवेयर के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं या फिर जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम में आई हैं वो इस चैप्टर से आई है फॉर एग्जाम्पल जैसे हाल ही के वीडियो के एग्ज़ाम में आया था कि निम्न में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्ज़ाम्पल कौन सा है तो वो इसी चैप्टर में है मतलब इस बुक में है वो सारा लिखा हुआ तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी पूरा समझाने की तो स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर होता क्या है बेसिकली सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का सेट है या कलेक्शन कह सकते हैं जैसे दो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में एक तो होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड माउस सीपीयू मतलब जिन चीज़ों को आप छू सकते हो वो सब चीज़ें हार्डवेयर हैं बट सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो उनका हम यूज़ करते हैं बट उनको हम टच नहीं कर सकते फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूट्यूब आप उनका उसका यूज़ कर रहे हो वीडियोस देखने के लिए या फिर म्यूज़िक आप सुन रहे हैं गाना बट आप उसको टच नहीं कर सकते हैं तो ये सारे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं सॉफ्टवेयर जैसे आप अपना फ़ोन खोलेंगे तो आपको आइकन दिखेंगे छोटे छोटे जैसे क्रोम का दिख गया है ना म्यूज़िक का दिख गया बट वो एक्चुअल में वैसा होता नहीं है अगर आप उसके कोर पार्ट में जाएंगे तो वो एक प्रोग्रामर ने लिखा हुआ है मतलब कोड कोडिंग जिसको बोलते हैं ना वो कोड का यूज़ करते हुए प्रोग्राम ने उस सॉफ्टवेयर को है जैसे अगर कोई भी आप वेब पेज बनाते हैं ठीक है क्रोम में आपने अपना कोई पेज बनाया तो आपको सबसे पहले किसी प्रोग्रामर को ढूंढना पड़ेगा वो कोडिंग के थ्रू उस पेज को आपके अकॉर्डिंग बनाएगा सपोज़ आपको उसमें या यूके का पेज ही ले लो यू के के पेज में उन्होंने लॉग और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट इन सब के ऑप्शन बनाए तो वो कोडिंग के थ्रू बना रखा है वो पेज ठीक है एच टी एम एल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए उस पेज को बनाया गया है तो वो सब चीज़ें सॉफ्टवेयर ही कहलाती हैं बेसिकली जिनको हम छू नहीं सकते बट उसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसके जरिए कंप्यूटर काम करता है ठीक है तो सॉफ्टवेयर का अगर डेफिनेशन बोली जाए तो ये होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम प्रोग्राम कौन लिखते हैं प्रोग्रामर लिखते हैं ठीक है थीके? जो पहले टाइम पे लो लेवल लैंग्वेज में लिखा करते थे बट वो जीरो और एक की उसमें लिखना टफ पड़ जाता है तो आजकल हाई लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं तो फिर सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है या फिर हिंदी में अगर बोला जाए तो सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देश जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं बेसिकली ठीक है बिना सॉफ्टवेयर का कोई कंप्यूटर काम नहीं करेगा खाली आपने हार्डवेयर रख दिए सपोज़ आपने कीबोर्ड रख दिया या सीपीयू रख दिया तो वो ऑटोमेटिक तो काम नहीं करेंगे ना क्योंकि वो सब तो मशीन है तो बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता तो कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो लोगों दो चीज़ों से मिलकर बना होता है हार्डवेयर आपको पता ही है हार्डवेयर खुद से कोई काम नहीं कर सकते हैं हार्डवेयर को काम करवाने के लिए सॉफ्टवेयर बने हैं ठीक है तो और इंटरफेस क्या होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो भी चीज़ें हैं जो भी कनेक्शन है उसको इंटरफेस बोलते हैं इसमें डेफिनेशन दी गई है कि इंटरफेस बोलते किसे हैं या इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि सीपीयू से पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करना सी क्या होता है जो हम इनपुट डालते हैं उसको प्रोसेस करता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट क्या करती है जो भी चीज़ मैंने इनपुट दिया है कंप्यूटर को सपोज मैं बोल रही हूँ टू प्लस टू कितना होता है तो इसको प्रोसेस कौन पर करेगा सी पी यू बट सी पी यू तो ख़ुद में एक चिप है ना वो तो क्या है हार्डवेयर है तो सी पी यू अगर हार्डवेयर है तो खुद से तो काम करेगा नहीं तो सी पी यू को काम करवाने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं ठीक है जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब वो अभी आएगा थोड़े टाइम में तो सी से जो पेरीफेलर डिवाइस हैं पेरीफेलर डिवाइस क्या होती हैं इनपुट और जितनी भी आउटपुट डिवाइसेज होती हैं उनको पेरीफेलर डिवाइस कहते हैं तो सी uh, पी से पेरीफेलर डिवाइस को कनेक्ट करना यानी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में ये भी एक तरीके से सी पी uh, तब काम करेगा जब सॉफ्टवेयर से काम करवाएगा ठीक है और पेरीफेलर डिवाइस क्या है हार्डवेयर है तो ये भी वही डेफिनेशन है जो ऊपरऑल डेफिनेशन है, है तो इन दोनों के बीच uh, में संचार स्थापित करना क्या कहलाता है इंटरफेस uh, कहलाता है ठीक है तो ये दोनों चीज़ें आगे होंगी समझ में अब थोड़ा आगे मूव बढ़ते हैं अब सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं तो इस बुक में दिया हुआ है साफ साफ आप इस बुक से भी पढ़ सकते हैं तो सॉफ्टवेयर होते हैं तीन टाइप के एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तीसरा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और अगर पहला बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो फिर वो सारे सॉफ्टवेयर जो जिनका यूज़ कंप्यूटर करता है मतलब हम इनका यूज़ नहीं करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ हम नहीं करते हैं सेकेंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ हम करते हैं शॉर्टकट में इनको ऐप बोला जाता है जैसे आपको गाना सुनना है तो आप विग म्यूज़िक के थ्रू सुन सकते हैं या फिर आपके फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है ऐप म्यूज़िक के नाम से तो वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनका यूज़ हम करते हैं ठीक है और नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ये आ, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कोई प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं ठीक है तो अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है मैंने यहाँ पे लिखी इसी डेफिनेशन कि ये कंप्यूटर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं नॉट ह्यूमन मतलब हमारे द्वारा नहीं यूज़ किए जाते हैं और ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है मैंने आपको बताया था कि हमारे कंप्यूटर जितनी भी प्रोसेस करता है वो सी करता है ठीक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि कंप्यूटर का माइंड कहलाता है तो जो सी है वो खुद में तो क्या है हार्डवेयर है, है ना अगर मैं कोई चीज़ कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि मुझे कुछ चीज़ चलानी है लेट सपोज़ आपको कोई म्यूज़िक सुनना है ठीक है तो आप डायरेक्टली म्यूज़िक को एक्सेस नहीं कर सकते हैं आप क्या करेंगे सबसे पहले किसी एप्लीकेशन में जाके बोलेंगे कि ये वाला म्यूजिक सुनना है आपके फ़ोन में सपोज विंग म्यूज़िक है तो विंक विंग म्यूजिक के एक एप्लीकेशन है ठीक है आप सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास गए अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देगा फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा जो सी है उससे क्या करेगा इंटरेक्ट करेगा तो डायरेक्ट तो प्रोसेस आप समझ लो सबसे पहले आ, ये सी है यहाँ पर मैंने बनाया थोड़ा सा ग्राफ ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ठीक है जो कि क्या है अपने आप में एक हार्डवेयर डिवाइस है इस इसको कौन कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर uh, है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसको क्या करता है uh, उसको इंस्ट्रक्ट instruct, इंस्ट्रक्शन uh, देता है एक तरीके से तो ये चीज़ है सी को ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन कौन देगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना उसी का ही um, उसके तीन पार्ट होते हैं एक तो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है डिस्क ड्राइवर तो हो सॉफ्टवेयर होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर फर्दर सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर ठीक है अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है बिना इसके कंप्यूटर काम नहीं कर सकता पहली बात तो क्यों क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्शन का, का काम करेगा हम अपना जो भी हमें काम करना है वो हार्डवेयर के थ्रू पहुँचाएंगे जैसे आपको कोई चीज़ कंप्यूटर में इनपुट करनी है तो आप कीबोर्ड की मदद से करेंगे है ना अब उसके बाद जो उसमें तो प्रोसेस होना है वो चीज़ कौन करेगा सॉफ्टवेयर की मदद से ही होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्शन जनरेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है ये कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं ठीक है थीके? नाम से लग रहा है जैसे आ... Uh, आपके फ़ोन में बैकअप स्टोरेज होती होगी है ना अगर आपने कोई चीज़ डिलीट कर दी तो आप बैकअप वापस से उसको कर सकते हैं तो ये क्या कर रहा है कंप्यूटर के कार्य क्षमता को ही तो बढ़ा रहा है या फिर क्लीनर uh, आपके फ़ोन में होता होगा वो क्या करता है जो अनवांटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ आपके फ़ोन से हटा लेता है तो आपकी मेमोरी उससे क्या होती है बढ़ती है या बहुत जितने भी टाइप के एंटी आप डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में वो भी क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं थर्ड है डिस्क ड्राइवर सॉरी डिवाइस ड्राइवर ये लगता है कि अगर आपने कोई चीज़ एडिशनल ऐड करी अपने लैपटॉप पे जैसे कि माउस या कीबोर्ड या फिर जो भी चीज़ आप कनेक्ट करते हैं तो वो चीज़ के थ्रू आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर को जैसे आपने माउस कनेक्ट कर दिया ठीक है अब माउस भी पार्ट हो गया उस कंप्यूटर का तो माउस से आप जितनी भी चीज़ें क्लिक करेंगे तो वो चीज़ कंप्यूटर तक कौन पहुंचा रहा है मतलब कौन एक्सेस दे रहा है किसकी मदद से आ, मतलब वो चीज़ पहुँच रही है तो वह डिवाइस ड्राइवर ठीक है तो ये तीन चीज़ें हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या करता है सी को डायरेक्टली ऑपरेट करता है ठीक है ये वाला ग्राफ मैंने जैसे कि आपको समझाया था अब ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सिस्टम के बीच का रिलेशन अगर आपको बताऊं तो लेट्स सपोज ये आप हैं अगर आपको कोई म्यूजिक सुनना है ठीक है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले आप डायरेक्टली तो म्यूजिक नहीं सुन सकते हैं मतलब तो डायरेक्टली एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ वो चीज़ क्या है हार्डवेयर है जो सी पी है वो हार्डवेयर है तो आप किसी हार्डवेयर से बातचीत नहीं कर सकते हो ना आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कोई ना कोई एप्लीकेशन के पास जाना पड़ेगा जो कि आप जाते भी हैं आप अपने फ़ोन में कोई भी म्यूजिक का एप्लीकेशन ऑन करते हैं है ना तो वो क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो है आपने कोई विंक म्यूजिक या कुछ भी चीज़ सर्च किया वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ठीक है अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये किसको बोलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने अपनी बात एप्लीकेशन सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक पहुंचाई उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि आ, ये वाला म्यूजिक ऑन करना है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा सीपीयू को सी के साथ कनेक्शन करेगा मतलब सी पी यू हार्डवेयर है ना और तो ऑपरेटिंग सिस्टम सी को क्या करेगा इंस्ट्रक्ट करेगा कि ये वाला uh, मतलब ये वाली प्रोसेस करनी है तब जाके सी वो प्रोसेस को करेगा ठीक है तो ऐसे करके ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ऐसे करके चलता है तो सॉफ्टवेयर ये तीन टाइप के होते हैं अब इन तीनों को डिटेल से पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है फिर यूटिलिटी क्या होता है डिवाइस ड्राइवर क्या होता है तो उसको रिमूव कर लेती हूँ मैं क्या आप स्क्रीन ले सकते हैं जो सबसे फर्स्ट इसका टाइप था वो था ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है तो ये क्या करता है ये प्रोग्राम का सेट है वो तो होना ही है कोई भी सॉफ्टवेयर सारे प्रोग्राम का एक कलेक्शन ही होता है और ये क्या करता है कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है क्यों क्योंकि कंप्यूटर में ज़्यादातर चीज़ें तो हार्डवेयर ही हैं और हार्डवेयर तो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर सकती हैं तो कोई चीज़ तो होनी चाहिए जो हार्डवेयर को चलाए तो वो चलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये प्रोग्राम का सेट है कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है कंप्यूटर को चलाने लाइक बनाता है ये कहना ज़्यादा बेटर रहेगा और इसके और भी काम है जैसे प्रोग्राम को मैनेज मेंग करेगा मेमोरी मैनेज मेंग करेगा मतलब सारी चीज़ें यही करेगा बिना इसके कंप्यूटर चल ही नहीं सकता और इनपुट और आउटपुट के बीच में कार्यों को समन्वय करेगा मतलब कोऑर्डिनेशन बैठाएगा इनपुट और आउटपुट के बीच में मतलब सारी चीज़ें सही से हो रही नहीं रही हैं ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा तो सबसे पहले जब आप किसी कंप्यूटर को ऑन करेंगे ठीक है आपने कंप्यूटर को ऑन कर दिया तो सबसे पहले जो वहाँ पर चीज़ होती है वो बाई ओ यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो कि रोम एक चिप होती है ना उस पर ये फीड रहता है ठीक है ये क्या करता है ना सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चलाता है मतलब इसके अंतर्गत देखा जाता है कि सारी चीज़ें सही से चल रही कि नहीं चल रही हैं मतलब ये सबसे पहले टेस्ट करेगा छोटा सा उस टेस्ट का नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ठीक है इसके अंतर्गत सारी जितनी भी हार्डवेयर डिवाइस हैं या फिर सही चीज़ों से कोई चीज़ कनेक्ट हो रही कि नहीं हो रही है ये सारी चीज़ें सबसे पहले टेस्ट हो जाएंगी तो ये कहाँ पर रहता है रोम चिप में रहता है उसके बाद बूटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है बूटिंग मतलब होता है कि इसके अंदर का जो कंप्यूटर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम पे आ, क्या चलाता है ठीक है क्योंकि रैम पे आना ज़रूरी है आप मेरी वीडियोस अभी देख रहे हैं तो यूट्यूब जो है वो रैम पे ही आया हुआ है ठीक है रैम पे चल रही है ये वीडियोस भी तो बूटिंग की प्रोसेस के बाद स्टार्ट होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है एक तरीके से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या फिर जो हम यूज़र हैं हमको हार्डवेयर के साथ क्या करता है कनेक्ट का कनेक्शन करने का काम करता है मतलब हम हाँ अपनी कोई बात कंप्यूटर को बताना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर तो हार्डवेयर ही है तो कैसे हमारी बात उस तक पहुंचेगी, कैसे कोऑर्डिनेशन होगा तो वो सब चीज़ें कौन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ठीक है इसके बहुत सारे एग्जांपल है लिनक्स वन या फिर विंडोज़ एंड्रॉइड uh, फोन के लिए बात करें तो एंड्राइड तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं ये मैंने करवा दिए थे एग्जांपल तो ये बेसिक इसकी डेफिनेशन थी इसके ये भी बहुत टाइप के होते हैं तो बहुत सारे काम करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं तो इसके भी पाँच टाइप होते हैं पाँच टाइप uh, होते हैं इसके फर्स्ट टाइप है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से लग रहा है कि इसमें टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है कि अगर हम फिक्स टाइम में कोई चीज़ करना ही मतलब हमें करना ही करना है ठीक है जैसे जो भी जितने भी साइंटिस्ट होते हैं है ना जितने भी हमारे जैसे मिसाइल कोई लॉन्च करनी है तो उस फिक्स टाइम पे वो काम हो जाना चाहिए तो उस टाइम पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाएगा वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा मतलब इसमें एक प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट है वो दूसरे प्रोग्राम का ऑटोमेटिकली इनपुट बन जाएगा मतलब अगर ये इसका रिजल्ट निकला तो दूसरे के लिए इनपुट बन जाएगा मतलब हम इसमें ज़्यादा हमारा इंटरफेयर नहीं होगा हम यूज़र्स हैं हम ये नहीं कि हर बार उसको इनपुट देते रहेंगे उसका खुद ही इनपुट बन जाएगा जो भी पहले वाले का आउटपुट रहेगा ठीक है ना तो किसी विशेष ऑपरेशन को एक निश्चित अवधि में पूरा करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये अनुसंधान जो वैज्ञानिक होते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान उसमें यूज़ किया जाता है और सेकेंड है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से लग रहा है कि इसमें शेयर करना पड़ रहा है मतलब एक इसमें क्या होगा कि यूज़र एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है ठीक है ना एक से ज़्यादा चीज़ें आप ऑपरेट कर सकते हैं एक ही टाइम पे तो उसको बोलेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसके भी नाम से लग रहा है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही टास्क यूज़र कर सकता है तो उसको बोलेंगे सिंगल टास्किंग फिर नेक्स्ट है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम बैच मतलब कुछ ग्रुप से रिलेटेड है ना बैच तो फिर इसमें क्या होगा इसमें भी यूज़र का इंटरफेयर कम ही होगा क्योंकि जो कंप्यूटर होगा वो हो, खुद ही एक ग्रुपिंग में काम करेगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये खुद ही किसी ग्रुप के बीच में काम करेगा और उस सब का रिजल्ट देगा वन बाय वन करके तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे ग्रुप में काम करेंगे इसमें जैसे बिलिंग में यूज़ किया जाता है ये ऐसे ही नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या होगा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेस मतलब अगर आपको दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक साथ करने हैं तो सी पी का करेगा हर किसी को अपना अपना टाइम देगा उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए तो दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम आप एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं ठीक है ऐसे नेक्स्ट है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम इसमें क्या होगा पैरल हो ही चलेंगे मतलब आप दो से ज़्यादा सी यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ही रहेगा बट वो दो या दो से अधिक सीपीयू को कंट्रोल करेगा तो इसमें क्या होगा पैरेलल चलेंगे वो तो कंप्यूटर सिस्टम तो एक है बट उसमें सीपीयू दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप थे ऑन द बेसिस ऑफ कैसे कंट्रोल कर रहा है वो किसी कंप्यूटर को मतलब कितना को एक्सेस दे रहा है कितने यूजर उसका यूज कर सकते हैं उसके बेस पर ये सारे उसके टाइप हैं जो कि दिए गए थे बुक में तो आज के लिए इतना ही अब जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो कीप वॉचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में टेक केयर